हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ऑन रिकॉर्ड अमन। तो दिल्ली में हो रही है झमाझम बारिश, और मतलब कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है, और मच नीडेड था। अच्छा हुआ कि बारिश हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको जैसा कि पता है कि मैं ट्रिप नहीं जो भी है बाहर से वापस दिल्ली वापस आ चुका हूँ, ठीक है। और गाड़ी हमारी चल रही थी ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर। ओडोमीटर रीडिंग आप देख सकते हैं 46349 है। जाने से पहले 4300 या 200 कुछ थी, ठीक है। आपने पिछले अगर वीडियोस में देखी हो तो मैंने डाली हुई है वीडियो, आप जाके देख लेना, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो 100 किलोमीटर्स कल कुछ चल गई थी, 113 किलोमीटर्स के आसपास, तो 2800-2900 चली। और कैसा परफॉर्म करा और मेरी एक्सपेक्टेशंस पे ये गाड़ी उतरी है या नहीं, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो 46000 की आज हम सर्विस कराने लेके जा रहे हैं। सर्विस कहाँ से होगी? दीप हुंडई से हम सर्विस करवाएंगे। नगली में सर्विस सेंटर है इनका, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मेरी इनके जो सर्विस एड्रेसेस हैं उनसे फ़ोन पे बात हो चुकी है। बाकी मैं इधर नागलोई नजबगढ़ वाले रोड पे रहता हूँ, तो मेरे लिए नियरेस्ट यही पड़ता है। मैंने इसकी जो सर्विस हिस्ट्री चेक करी थी, इसकी दीप हुंडई पीरागढ़ी से सर्विस हो रही थी, बट वो कंपैरेटिवली दूर है, देख सकते हो, मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, तो वो दूर है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ यहीं पे करवा लेंगे। बाकी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे फॉलो कर लें, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाए। भाई पहली बार इतना पानी देखा है दिल्ली में, मतलब गाड़ी पूरी डूबी पड़ी है मेरी। आवाज़ आ रही है, पता नहीं रेडिएटर पे पानी लग रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा लिटरली, और मतलब बस रिस्क पे ही चला रहा हूँ गाड़ी, पहली बार देख रहा हूँ, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो गाड़ी का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, और मेरे पास एस्टीमेट आ चुका है। ये मेरे हाथ में एस्टीमेट है, आपको ये आपको दिखाता हूँ। करीब 1800 का एस्टीमेट इन्होंने दिया है। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं अभी जब निकल रहा था तो मैंने ऑलमोस्ट सारे काम करवा लिए थे, मतलब जो एयर फिल्टर वगैरह थे, ब्रेक्स वगैरह सब कुछ करवा रखा था। तो अभी मेरे को ज़्यादा कुछ करवाना था नहीं सर्विस में, सिर्फ मेरे को इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर चेंज करवाना था। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स थी गाड़ियों को मैंने इनको बता दी, उसको जो भी खर्चा आएगा वो देख लेंगे। तो 1800 रुपीज़ के आसपास अभी इन्होंने मेरे को बताया, जो कि मेरे को जायज़ लग रहे हैं। 9000 किलोमीटर के बाद अभी ये सर्विस हो रही है। बाकी कस्टमर एक्सपीरियंस में अगर बोलूँ तो मतलब इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, पता नहीं मतलब इसी सर्विस सेंटर का यह हाल है या सबका यह हाल है, बट बहुत ज़्यादा प्रीमियम मुझे नहीं लग रहा है। बाकी अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ ऐसा व्यू आता है तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, वो अपनी गाड़ी खड़ी है, इतना एक क्लियर व्यू है नहीं, तो मैं जाकर वहाँ पे अपना काम देखूँगा जो भी काम होगा। बाकी अगर एस्टिमेट की मैं बात करूँ तो देखिए 46353, ये इतनी किलोमीटर से चल चुकी है। बाकी ये रहा एस्टिमेट, 1800 का एस्टिमेट इन्होंने दिया है मुझे। बाकी फाइनल बिल जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें मैंने वॉशिंग इंक्लूड नहीं करवाई है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है दिल्ली में बारिश हो रही है, तो मुझे वॉशिंग इंक्लूड करवाना सही नहीं लगा, तो अब बाद में करवाएंगे, वॉशिंग बाहर से करवा लेंगे। तो ऐसा कुछ इनका कस्टमर लॉन्च दिखता है, ठीक है, सही है, मतलब किया वाली फील नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ठीक है। ऑन एन एवरेज मैं अगर बात करूँ तो एवरेज ही है, 10 में से 6-7 रेट करूँगा। बाकी सर्विस एक्सपीरियंस मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगा। हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट डन है, यहाँ से दिख तो नहीं रही, बट मैं आपको शेयर करूँगा, बिल वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ आपसे। तो गाड़ी की सर्विस हो चुकी है और बिल मेरे हाथ में है, 2079 का बिल आप देख सकते हैं। बाकी लगा क्या 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 इन्होंने लगाया बिल में मैं दिखा देता हूँ। ये सबसे ऊपर तो आपका इंजन ऑयल फिल्टर है, ये इन्होंने लगाया है 75 रुपीज़ का। उसके बाद है फोकस होता इंजन ऑयल, ये है 1006 रुपये का। उसके बाद मैंने एक अलग से लिया है हैंडल, ड्राइवर साइड का हैंडल लिया है, वो मेरे को पड़ा है 221 का। प्लस इन्होंने हर एक चीज़ इन सारी चीज़ों की लगाई है लेबर, वो पड़ी है 440 की। टोटल बिल जो इन्होंने बनाया है वो 2079 का है।
हैंडल मैंने ले लिया क्योंकि हमारे ड्राइवर साइड का जो हैंडल है वो टूट रहा है, तो मैंने सोचा वो भी ले लिया जाए। तो 283 रुपीज़ का है ये GST वगैरह सब लगा के, तो मेरे को 2100 रुपए की ये पड़ गई सर्विस, जिसमें जो बाकी जो छोटे मोटे काम है मेरे को प्रॉब्लम थी उसके, RPM के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, RPM अप डाउन हो रहे थे, प्लस कुछ नट्स वगैरह थे छोटे मोटे, तो वो सब इन्होंने वैसे लगा दिया। मतलब वो चीज़ नहीं है कि हर एक छोटी चीज़ के पैसे, भाई साहब इसके भी पैसे उसके पैसे हर एक चीज़ के पैसे पैसे जोड़े जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। बाकी इन्होंने बैटरी वाटर वगैरह सब चेक कर लिए थे, कूलेंट वगैरह सब चेक कर लिए थे, ऑल ओके है। तो 46,000 किलोमीटर्स की सर्विस अगर 2,080 रुपये की यानी 2,100 रुपये की हो गई, तो मेरे हिसाब से बहुत महंगा तो नहीं है ये। मारुति में क्या आता है मुझे नहीं पता, बट पेट्रोल है मेरे पास i20 और 2012 का मॉडल है, ओल्ड i20 है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 2,100 रुपये का बिल आया भाई साहब, ठीक है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड। बात करें कस्टमर एक्सपीरियंस की, तो मैं गया था करीब 1-1.5 बजे के आसपास और अभी 4:30 बज रहे हैं, तो 3 घंटे मुझे लगे जिसमें कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, तो वहाँ पे सर्विस सेंटर में ही पानी भर गया था, तो 1 घंटा तो उनको पानी क्लियर करने में लगा, बाकी 2 घंटे में उन्होंने मेरा पूरा काम कर दिया। अब 2 घंटा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो मतलब जो कोई भी मेरा भाई जा रहा हो सर्विस सेंटर में तो 2-2.5 घंटे अपना लेके चलना। बाकी मैंने सर्विस जो करवाई वो कराई है दीप हुंडई नगली से, नगली सारकवती करके है, मेरे घर से 7 किलोमीटर है, तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो आगे से मेरी गाड़ी तो वहीं जाने वाली है। हुंडई की गाड़ी, एक होता नहीं कि सर्विस अगर आपको अच्छी मिलती है तो आपको उस कंपनी के पास, मतलब गाड़ी भी अगर आप नहीं लोगे तो आपका सबसे पहले मन उधर जाएगा कि चलो यार हुंडई गाड़ी लेते हैं, उनकी सर्विस अच्छी है, क्योंकि बाद में तो सर्विस देखी जाती है गाड़ी, तो आप एक वन टाइम लोगे, तो सर्विस मुझे इनकी अच्छी लगी। तो बाकी तो इतना ही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ये सर्विस से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछोगे तो। काम क्या क्या करवाया मैंने वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई था, बहुत ज़्यादा काम था नहीं मेरी गाड़ी में, बट नेक्स्ट सर्विस क्योंकि मेरे को निकलना था तो मैंने बाहर से सब कुछ करवा लिया था, और नेक्स्ट सर्विस में जो भी है AC फिल्टर वगैरह चेंज होता है, नहीं ये जो एयर फिल्टर वगैरह चेंज होता है वो सब मैं कराने वाला हूँ, तो वो उस तब भी मैं कॉस्टिंग पूरी आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हैंडल मैंने वहाँ इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि इनकी लेबर काफ़ी ज़्यादा थी, तो हैंडल मैं बाहर से ही लगवा लूँगा, मतलब मैंने ख़रीद के, अब मैं जो पेंट वेंट करवाना है और जो भी इसका असेंबली का प्रोसेस है तो वो मैं बाहर से कराऊंगा, क्योंकि मेरे को कंपनी में थोड़ा सा वर्थ नहीं लगा, जहाँ कंपनी वाले मुझसे 1,000 रुपये मांग रहे थे वो मेरे को लगता है 500 रुपये में मेरा बाहर काम हो जाना चाहिए या 600 रुपये, तो वो मैं कंपनी से करने नहीं करवाना मैंने सेटल नहीं सोचा। बाकी मैकेनिकल काम सारा मेरा कंपनी से हो गया है और कुछ छोड़ा नहीं है मैंने। बाकी स्टार्टिंग में जब मैंने कॉल करके अपॉइंटमेंट वगैरह ली थी ना, तो ऐप से मैंने अपॉइंटमेंट करी थी और कॉल पे एक बार मैंने एस्टिमेट पूछने के लिए बात करी, तब भी इन्होंने बताया था कि 5,000-6,000 रुपये का खर्चा आएगा, मतलब इन्होंने सब लगा दिया, ब्रेक पैड की सर्विस और भाई पता नहीं क्या ऑयल डालेंगे क्या करेंगे, 5,000-6,000 का इन्होंने बता दिया था। तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि समझदार कस्टमर बनो, ठीक है, जब तक गाड़ी में दिक्कत ना आए तब तक फालतू की चीज़ें चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैसे बनाने का ज़रिया है। तो नॉर्मल सर्विस में आपका AC फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल और अगर ब्रेक्स पैड वगैरह, मतलब ये तो सब तो काफ़ी टाइम बाद चेंज होते हैं, तो नॉर्मल यही सर्विस होती है जो मैं अभी करा के आया हूँ, तो यही करवाया करो, उन लोगों के चक्करों में मत पड़ा करो कि फ्लश ऑयल डाल लो, ये ऑयल डलवा लो, वो ऑयल डलवा लो, कूलेंट वगैरह चेक करा लो, बैटरी वाटर वगैरह चेक करा लो, बस और कुछ नहीं होता कराने के लिए। बाकी मैंने अपनी गाड़ी की वॉशिंग नहीं कराई क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने वॉशिंग नहीं कराई, और वॉशिंग के भी इन्होंने अलग से पैसे जोड़े थे, तो फिर मैंने सोचा कि बाहर ही करा लूँगा, 150-200 रुपये की बाहर होगी, इनको 300-400 रुपये दूंगा और बारिश में कराने का वैसे फ़ायदा नहीं है, तो मैंने नहीं करवाया। इतना ही था आज की वीडियो में, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना, अपने राय अपने कमेंट्स और अपनी कोई भी सजेशन मेरे को देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए सबके लिए खुला हुआ है, हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, तो डू कमेंट, और नए हो चैनल पे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।